हमारा भारत देश जो कि विविधताओं और परंपराओं से भरा हुआ है, यहाँ अनेक प्रकार की धर्म जाति सब कुछ देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारी संस्कृति और परंपराओं की अलग छटा है। वहीं अगर बस्तर का नाम आता है तो संस्कृति और परंपराओं का एक विशाल रूप देखने मिलता है। ऐसे ही परंपरा से घिरे त्योहारों में आज आपको लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमितेश सोनी अपने YouTube चैनल अमितेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विश्व प्रसिद्ध 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये कोई आम दशहरा नहीं, यहाँ रामलीला या रावण दहन नहीं किया जाता बल्कि माँ दुर्गा का विजय पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्विन शुक्ल की दशमी को माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। हरेली अमावस्या से शुरू होने वाला यह त्यौहार 75 दिनों तक चलता है, जिसमें दूसरे देवी देवताओं को भी निमंत्रित किया जाता है। इस 75 दिनों तक अलग अलग रस्मों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंग कुछ निम्न हैं, जैसे कि पाट यात्रा, बस्तर दशहरे का आयोजन पाट यात्रा से शुरू होता है। हरेली अमावस्या के दिन बिलौरी ग्राम के निवासी माचकोट के जंगल में जाकर साल वृक्ष की कटाई करते हैं और साल वृक्ष का पहला लट्ठा कुरलू खोटला के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह है प्रथम लकड़ी। लकड़ी की पूजा अर्चना के बाद उसे कंधे में उठाकर ग्राम तक लाया जाता है, फिर ग्राम के निवासी उसे जगदलपुर शहर तक पहुँचाते हैं। इन लट्ठों से रथ का निर्माण किया जाता है, जिससे दो रथ बनाए जाते हैं, एक रथ चार पहियों वाला और एक रथ आठ पहियों वाला। यही रथ बस्तर दशहरे की विशेष पहचान है। जिसमें दूसरे नंबर पे आता है डेरी गड़ाई। डेरी गड़ाई इसे हम पहले समझते हैं। डेरी मतलब डाल और गड़ाई मतलब गड़ाना, तो इससे यह सिद्ध होता है कि डाल को गड़ाना। इस उत्सव में साल वृक्ष की बची टहनियों को लाया जाता है व इनकी झोपड़ियां बनाई जाती हैं, जिनमें रथ बनाने वाले यहाँ रहा करते हैं। रथ बनाने वाली जनजातियाँ सौरा जनजाति कहलाती हैं। सिर्फ सौरा जनजाति के लोग ही रथ का निर्माण कर सकते हैं, परंतु यह जनजाति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, इसलिए दूसरी जनजाति के लोगों को रथ निर्माण के लिए कुछ समय के लिए सौरा जनजाति बनाकर यहाँ लाया जाता है, जो कि यहाँ रहते हैं, पर यह सीमित समय के लिए होता है। तीसरे नंबर पे काछिन गादी का उत्सव होता है। कुमार अमावस्या के दिन काछिन गादी का उत्सव मनाया जाता है। काछिन गादी मृगान जनजाति की देवी है, यह युद्ध की देवी है। काछिन गादी का इस दिन आगमन होता है। काछिन गादी मृदान जनजाति के लड़की के ऊपर आती है और इसे कांटों के झूलों में बैठाकर झुलाया जाता है। काछिन देवी बस्तर के पर्व की शुरुआत के लिए आशीर्वाद देती है। इसी के साथ दशहरे पर्व की शुरुआत होती है। चौथे नंबर पे जोगी मिठाई का कार्यक्रम होता है। शुक्ल पक्ष के प्रथमा के दिन जोगी मिठाई का कार्यक्रम करते हैं। जोगी हलबा जाति का एक युवक है। ये जोगी सिरहासार में लाया जाता है, मतलब दंतेश्वरी माता का वो पुजारी जिसे सिरहा कहा जाता है। इस सिरहा का घर मंदिर के सामने ही होता है। इस सिरहासार में गड्ढा खोदा जाता है। इस गड्ढे में एक हलबा जाति का युवक बैठता है जिसे जोगी कहा जाता है। जोगी बिना खाए पिए तपस्या करता है। जोगी इस तपस्या से माता को प्रसन्न करता है। जोगी की इस तपस्या से माता प्रसन्न हो और दशहरे का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से सफल हो, इसलिए जोगी यह तपस्या करता है। पांचवे नंबर पे रथ परिक्रमा की जाती है। दूसरे दिन से सातवें दिन तक रथ परिक्रमा का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसमें चार पहियों वाला रथ दूसरे दिन से सातवें दिन तक पूरे शहर में घुमाया जाता है और यह परिक्रमा का कार्यक्रम पूरी नवरात्रि चलता है।
छठवें नंबर पे निशा यात्रा का आयोजन किया जाता है। सप्तमी के बाद अष्टमी के दिन निशा यात्रा का आयोजन होता है। यह बलि का उत्सव है जिसमें मौली माता और भैरव देव इन दोनों देवी देवताओं की बलि चढ़ाई जाती है। बलि में कुम्भड़े से लेकर बकरी, सुअर और मछली, मुर्गा आदि चढ़ाया जाता है। बलि के बाद यह प्रसाद जनजातियों में बांट दिया जाता है। सातवें नंबर पे जोगी उठाई मावली परखान का आयोजन किया जाता है। निशा यात्रा के बाद नवमी के दिन जोगी उठाई व मावली प्रधान का कार्यक्रम किया जाता है। जोगी उठाई उस जोगी के लिए होता है जो प्रथमा दिन जोगी बिठाई के गड्ढे में बिठाया जाता है, जो 9 दिन तक तपस्या करता है, जिसके 9वें दिन बड़े सम्मान के साथ उसे उठाकर उसकी पूजा की जाती है। मावली माता, जो कि दंतेश्वरी माता का ही एक रूप है, इसे बस्तर के राजा द्वारा इनकी पूजा की जाती है। माता का घर में स्वागत किया जाता है और इस माता के घर में स्वागत करना ही मावली परखान यानी स्वागत करना कहलाता है। आठवें नंबर पे विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। सारे भारतवर्ष में विजयदशमी के दिन रावण दहन किया जाता है, परंतु बस्तर दशहरे में 8 पहियों वाले इस रथ में मां दंतेश्वरी की छत्र को स्थापित किया जाता है। यह माता के स्थापित होने का प्रतीक है और 8 पहिये वाले रथ की झांकी निकाली जाती है। इस प्रक्रिया को भेत्री रैली भी कहा जाता है और यह रथ पूरे शहर में चक्कर लगाता है। यही वो पर्व है जिसे देखने के लिए लोग देश और विदेशों से बस्तर आया करते हैं। इसके अलावा माता को शासन द्वारा बंदूकों से भी सलामी दी जाती है। 9वें नंबर पे बाहर रैली का उत्सव मनाया जाता है। एकादशी के दिन के शुरुआत के साथ बाहर रैली का उत्सव किया जाता है। कुंभाकोट गांव के लोग माता रानी के रथ को छत्र सहित अपने गांव ले जाते हैं। सुबह होने से पहले गांव के मुखिया उपजाया हुआ अन्न माता रानी पे समर्पित करते हैं। अगले दिन राज परिवार कुंभाकोट ग्राम जाकर ग्रामवासियों से मनाकर रथ वापस लाते हैं। 10वें नंबर पे होता है काछिन यात्रा। द्वादशी के दिन काछिन यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें काछिन देवी की आज्ञा से शुरू हुआ नवरात्रि का पर्व आरंभ होता है। इसी दिन बुरिया दरबार होता है। इस उत्सव में शासक द्वारा विभिन्न जनजाति के मुखियाओं को विशेष वार्तालाप के लिए राज दरबार में बुलाया जाता है, जिसमें इनकी समस्याएं सुनी जाती है। 11वें नंबर पे होता है पहाड़ी का पर्व। त्रयोदशी के दिन पहाड़ी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें गंगा मुंडा तालाब में सब परिवार, सब लोग एकत्रित होते हैं, जिसमें दशहरे का पर्व सकुशल पूर्ण हुआ इसका धन्यवाद दिया जाता है। इस प्रकार से 75 दिनों तक चलने वाला त्यौहार की समाप्ति की जाती है। इसी प्रकार 610 वर्षों से चली आ रही परंपरा को तत्पर निभाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक की जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।